जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। मैं पंकज और साथियों आप देख रहे हो आपका अपने यूट्यूब चैनल। साथियों हमने जो इंडियन एयरफोर्स एक्सपर्ट ग्रुप के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज चलाई थी उसका ये पार्ट 8 होने वाला है। यदि आपने पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो, प्ले लिस्ट मैंने क्रिएट किया हुआ है, आप चैनल पर जाकर एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो साथियों सबसे पहला क्वेश्चन आज का हमारा निकल के आया है, भारत एवं विश्व का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है भारत या बोलो विश्व का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका लेह लद्दाख का। आपने नाम सुना होगा लेह है जो आपका न्यूनतम सबसे कम वर्षा होती है लेह के अंदर। ये विश्व में भी सबसे नंबर वन पर है और भारत के अंदर भी सबसे नंबर वन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है। काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बेसाल्ट पर्वत चट्टानों से है जो आपकी काली मिट्टी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई। मुंबई के अंदर एक जगह है नेहवा सेवा जो कि देश का, भारत देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है साथियों, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों अपना, इसी उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है। तो वो मालदीव है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ब्राज़ील के कहावा बाग कहलाता है। ब्राज़ील के कहावा बाग क्या कहलाता है। जो ब्राज़ील के अंदर एक बाग है कहावा नाम का, उसे क्या कहा जाता है। तो उसका राइट आंसर होगा फजंटा, यानी फजंटा कहा जाता है जो कि ब्राज़ील के अंदर कहावा बाग स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, पृथ्वी को बांटा गया है। पृथ्वी को कितने समय गठबंधों में बांटा गया है, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो 24 समय गठबंधों में आपको बता दूं पृथ्वी को बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ग्रीनविच स्थित है, यानी ग्रीनविच रेखा कहाँ से होकर निकलती है या कहाँ पर स्थित है, ये इस तरीके से पूछ रहा है। तो ये यूके में है ग्रीनविच रेखा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, यानी अपनी पृथ्वी है जो उस पर अक्षांश और देशांतर दोनों हैं, और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर होगा 180 है जो हमारी पृथ्वी पर टोटल अक्षांश है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा आपका 360। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या पूछ रहा है साथियों, 360 हो जाएगा इसका। एंडीज पर्वत उदाहरण किसका है। तो साथियों कल मैंने बताया था कि विश्व का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है, तो इसका राइट आंसर था एंडीज। और आज क्वेश्चन आपका, एंडीज पर्वत किसका उदाहरण है। तो ये आपका बलित पर्वत का उदाहरण है आपका एंडीज पर्वत। तो साथियों पिछली वीडियो जो गई हैं उनमें मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बताए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, श्योरिटी नहीं है लेकिन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, स्ट्रॉन्ग वैली ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। तो ये आपके लिए बता दूं सबसे पहले तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। स्ट्रॉन्ग वैली ज्वालामुखी को प्रशांत महासागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। पिछली वीडियो जो मैं बता चुका हूँ, वीडियो में ये क्वेश्चन आया है कि स्ट्रॉन्ग वैली ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा लिपारी द्वीप पर है आपका स्ट्रॉन्ग वैली ज्वालामुखी स्थित है। तो साथियों यदि आप पिछली वीडियो को देखना चाहते हो तो आप चैनल पर विजिट करिए, नीचे दिखाई दे रहा होगा चैनल का नाम, उस पर क्लिक करिए। आप चैनल पर जाओगे, चैनल पर जाने के बाद प्ले लिस्ट को चेक करिए, ऊपर ही ऊपर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा, सारी वीडियो वहाँ पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। कुछ वीडियो इस वीडियो के लास्ट में आपको साइड से दिखाई दे रहे होंगी, कुछ वीडियो ऊपर आई बटन पर आपको नजर भी आ गई होंगी, ठीक है। तो वो वीडियोज भी इसके रिगार्डिंग है और चैनल पर काफी वीडियोज एयरफोर्स और नेवी के रिगार्डिंग अवेलेबल हैं। तो एक बार यदि आप चैनल पर विजिट ऑन करते हो तो डेफिनेटली मैं श्योर हूं कि आपकी किसी ना किसी तरीके से जरूर से हेल्प हो जाएगी, ठीक है साथियों। उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करिएगा और अपना कमेंट में सजेशन जरूर से दीजिएगा कि आपको लिए और क्या मैं बेटर कर सकता हूं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि जैसी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा सबसे पहले। साथियों आप शेयर वेयर तो करते नहीं हो तो यार जरूर से शेयर करें वीडियो को कि उनको भी पता चले कि हाँ भाई प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुके हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के अंदर बताए जा रहे हैं। यदि आपको लगता है कि क्वेश्चन सही नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में बोलिए, यार आज तक कोई कमेंट ही नहीं किए हो आप कि क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। तो कमेंट में जरूर से बताएं यदि आपको प्रैक्टिस सेट अच्छे नहीं लग रहे हैं तो हम कुछ और इम्प्रूव करें, आप भी बताएं हमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए। तो इसलिए आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, इतना तो कर सकते हो कि आप कमेंट में बता सकते हो कि
कैसी वीडियो लग रही हैं, मेरे को क्या क्वेश्चन में इंप्रूवमेंट करना चाहिए और क्या वीडियो जो मेरे को इंप्लीमेंट करना चाहिए आप बताइए यार। बताते तो कुछ है नहीं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। पहली बार आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप तो प्रेस कर ही लीजिए, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर 3:30 से 4 बजे के बीच पर रेगुलर बेसिस पर एयरफोर्स प्रैक्टिस सेट के नाम से वीडियो जरूर से मिलती है, ठीक है ना। कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है और आपके लिए मैं क्या बेटर कर सकता हूँ। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो पसंद आए, होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।